जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफाइन नेम के बारे में। देखिए, डिफाइन नेम का प्रयोग हम लोग एक्सेल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में करते हैं। अभी तक तो मान के चलिए कि अगर हम किसी वैल्यू को जानते थे तो अगर हमको जोड़ना होता था तो इक्वल सम लगा करके जोड़ते थे, तब वो वैल्यू हमारे पास आती थी। पूरा डेटा को सिलेक्शन करना होता था तब वो वैल्यू हमारे सामने आती थी। लेकिन नहीं, अब नाम से आपको ये पता करना हो तो जैसे कि नाम को डिफाइन करके अगर उस वैल्यू को आपको प्राप्त करना हो तो इसके लिए डिफाइन नेम का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। इसमें हमको बार बार वैल्यू को सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, बस केवल उसके जगह पे नाम रखेंगे तो ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे हिंदी सब्जेक्ट का इतना सारा नंबर दिया है ना, अगर सबको जोड़ करके लाना हो तो इक्वल करेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पूरी वैल्यू को जो सिलेक्शन करेंगे, अब एंटर करेंगे तब तो जोड़ के बताएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि केवल पूरे वैल्यू को सिलेक्शन ना करके केवल पूरे वैल्यू की जगह पे केवल हिंदी लिखे तो पूरा उसका नंबर जोड़ करके बता दे। समझ में आ रहा है ना? बार बार हमको डेटा को सिलेक्शन ना करना पड़े तो इसके लिए हमको डिफाइन नेम का प्रयोग एक्सेल में करना होता है। मतलब नाम के हिसाब से फार्मूले को डिफाइन करना, इसके लिए डिफाइन नेम का प्रयोग एमएस एक्सेल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत लंबा डेटा होता है तो सिलेक्शन करते करते छूट जाता है वो डेटा कभी कभी, ठीक है? तो आपको मात्र सिलेक्शन एक बार करना, और एक बार सिलेक्शन करके उसको कुछ आप नाम दे दीजिए और नाम के हिसाब से फार्मूला आप अटैच करेंगे, ऑटोमेटिक वो रिजल्ट आपका आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे करना क्या है, पहले तो आप इस तरीके से डेटा बना लीजिएगा। हाँ, एक चीज क्लियर करिएगा कि इसमें नाम, एक ही नाम दो बार नहीं होना चाहिए, नाम सिंगल सिंगल होना चाहिए, यूनिक नाम होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट का ही मैंने नाम मेंशन किया है तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो दो बार लिखा, सारा एक एक बार लिखा है ना। वैसे ही अगर किसी स्टूडेंट का नाम भी अगर आप मेंशन करेंगे तो स्टूडेंट का नाम मात्र एक ही बार लिखा होना चाहिए, और ऐसे नाम लिख करके और ऐसे पूरा नंबर आप मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद से आपको करना क्या है, देखिए, बस एक हिंदी सब्जेक्ट वाला नंबर सबसे पहले सिलेक्शन करिएगा हेडिंग को लेकर के, और यहाँ पे डिफाइन नेम पे आ जाइएगा। कहाँ मिलेगा डिफाइन नेम? फार्मूला टैब पे आइएगा और यहीं पे डिफाइन नेम का ऑप्शन मिल जाएगा। बस इसी पे क्लिक करके ओके कर देना है, कुछ नहीं करना है। बस क्या करना है, इंग्लिश वाले पूरे सब्जेक्ट को सिलेक्शन करिए, डिफाइन नेम पे चले जाइए, ओके कर दीजिए। मैथ वाले पूरे नंबर को हेडिंग के साथ सिलेक्शन करिए, डिफाइन नेम पे जाइए, ओके कर दीजिए। साइंस वाले पूरे नाम के साथ नंबर को सिलेक्शन करिए, डिफाइन नेम पे जाइए, ओके कर दीजिए। सब सिंगल सिंगल, एसएसटी को भी सिलेक्शन करिए, डिफाइन नेम पे जाइए, इसको भी ओके कर लीजिए। कंप्यूटर पूरे नाम को सिलेक्शन करिएगा, डिफाइन नेम पे जाइएगा, ओके कर देना। फिर से ड्राइंग को भी सिलेक्शन करना है नाम के साथ, डिफाइन नेम पे जाना है और ओके कर देना। कोई दिक्कत? आप सोच रहे होंगे कि सर सिंगल सिंगल क्यों कर, एक ही बार नहीं कर देते? हाँ, एक ही बार भी ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ। अगर ये मान के चलिए 4 3 7 मतलब 7 सब्जेक्ट दिया तो आप ऐसे बारी बारी से सिलेक्शन कर रहे हो, लेकिन 700 आ जाए तब क्या करेंगे? एक एक करके टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? मान के चलिए कि 700 स्टूडेंटों का नाम आ जाए, पूरा नंबर मिल जाए, तो ऐसे एक एक करके सिलेक्शन करेंगे तो कई साल लग जाएगा सिलेक्शन। तो एक बार में भी हम बता रहे हैं, पहले तो मैंने आपको सिंगल सिंगल बताया, यहां तक कोई दिक्कत? एक नाम के साथ उसका डेटा सिलेक्शन करिए, डिफाइन नेम पे जाकर के ओके कर दीजिए। एक नाम के साथ उसका डेटा सिलेक्शन करिए, डिफाइन नेम पे जाकर के ओके कर दीजिए, हो जाएगा। इतना करने के बाद अब इससे फायदा क्या होगा, तो जैसे कि हमको हिंदी सब्जेक्ट का नंबर निकालना है तो यहाँ पे सम पे आइए और इक्वल लिखिएगा, यहाँ पे सम लिखिएगा, ब्रेकेट ओपन करिएगा, सब्जेक्ट का नाम हिंदी हिंदी यहाँ पे लिखिए और ब्रेकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। सही है? कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा के एंटर करिए। सही है कि गलत हो? अब चलिए, अगर हमको हिंदी सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर खोजना हो तो इक्वल करिए और यहाँ पे मैक्स लिखिए और ब्रेकेट ओपन करिए, फिर आपको सब्जेक्ट का हिंदी, बस सब्जेक्ट का नाम लिखना है, डेटा सिलेक्शन नहीं करना, और ब्रेकेट क्लोज करके आप इंटर करिए। सही है? कोई दिक्कत? बस सेम कंडीशन, बस फार्मूला लिखिए, हिंदी लिखते जाइए, हो जाएगा।
अब अगर आपसे ये कोई पूछे कि ये 462, जैसे कि मैंने इसको मिटा दिया, ये 462 किस सब्जेक्ट का नंबर है? किस सब्जेक्ट का नंबर है? हिंदी का नंबर। लेकिन ये डिफाइन करने के लिए 462 को सिलेक्शन करिए, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ट्रेस प्रेसिडेंट, दिख रहा है यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट, इसी पे बस क्लिक कर दीजिए। ये बता रहा है कि हिंदी सब्जेक्ट का नंबर आपने लिया है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे इक्वल करते हैं क्या? अरे यार वहां से एरो चला हुआ, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा रुक जाओ, इसको हटा देते हैं। आप यहाँ पे देखो, इक्वल सम ब्रेकेट ओपन, यहाँ पे लिखिए हिंदी, और ब्रेकेट क्लोज करके एंटर करिए। अब यहाँ पे 462 को सिलेक्शन करिए, ट्रेस प्रेसिडेंट, वो नहीं सही था। अब अब चलिए, मतलब समझते रहना। यहाँ पे इक्वल करते हैं, यहाँ पे मैक्स लिखते हैं, ब्रेकेट ओपन करते हैं, और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हिंदी, ब्रेकेट क्लोज करके एंटर करिए। अब ये 80 नंबर मैक्सिमम किसका है? तो बस ट्रेस प्रेसिडेंट बता देगा, कोई दिक्कत? अरे इतना लंबा एरो बन जाएगा, थोड़ा सा और यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे आ जाइएगा, इतना लंबा एरो बन जाएगा, यहीं पे हम चेक करवा देते हैं। इक्वल सम ब्रेकेट ओपन हिंदी, और ब्रेकेट क्लोज करके आप एंटर करिए, 462 को सिलेक्शन करिए, और ट्रेस प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ से ये एरो कहाँ से आया, देखिए मतलब ऐसे लाइनिंग सही बना हुआ है ना इसके लिए। अगर हम इसको चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ से हटा देते हैं, अब सबको काटते हुए नहीं आएगा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे तो नहीं काटेगा। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, 462 ट्रेस प्रेसिडेंट। आप किसको काटा है? हो जाएगा, है बात नहीं, हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रेस प्रेसिडेंट का वर्क होता है। अगला क्या दिया है, चलिए इस एरो को अगर आपको हटाना हो तो यहीं पे रिमूव एरो का ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं। सब एरो हट गया, देखिए कोई एरो बचा नहीं है। अब चलिए, अब आपको ये पता करना हो कि इससे जुड़ी जुड़ी वैल्यू कहाँ कहाँ लिखा गया है, इससे जुड़ा वैल्यू कहाँ कहाँ दिया गया है, तो इस डेटा को आप सिलेक्शन करिए, और यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट्स का एक ऑप्शन है, इससे जो वैल्यू जुड़ा होगा हाईलाइट करके आपको दिखा देंगे, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले आप ये जानना चाहते हैं कि हिंदी वाला नंबर कहाँ कहाँ देखा गया है, चेक किया गया है, तो हिंदी वाले पूरे नाम के साथ पूरे नंबर को सिलेक्शन करिए, और ट्रेस डिपेंडेंट्स पे आपको क्लिक करना। सही है कि गलत नहीं है है? इसको हटाना है तो रिमूव कर दीजिए यहाँ से, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, ऐसे क्वेश्चन ये बनती है कि सर अगर हमको एक ही बार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे सिंगल सिंगल अभी मैंने बताया है ना, तो अगर हमको एक ही बार में ऐड करके देखना हो तो कैसे देखेंगे? तो इसके लिए पहले तो आप नेम मैनेजर पे आ जाइएगा, कहाँ पे आना है? नेम मैनेजर, और यहाँ से पूरे को कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करके, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इन सबको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। आप कोई फार्मूला बताएगा? इक्वल सम ब्रेकेट ओपन हिंदी, ब्रेकेट क्लोज एंटर, रिजल्ट आया, क्योंकि मैंने फार्मूले से बाहर कर दिया, किसी का भी रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो सिंगल सिंगल हम डिफाइन नेम पे क्लिक करके कर रहे थे, वो सारे सब्जेक्टों का एक ही बार कर दें, तो पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा नाम के साथ उसका नंबर भी, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, दिख रहा है? बस इसी पे जस्ट आपको चले जाना, चले जाने के बाद कुछ नहीं करना है, बस ओके कर देना। अब देखिए, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन करिए हिंदी, ये ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर। सर अब यहाँ पे ड्राइंग का जानना है, तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और ड्राइंग, ब्रैकेट क्लोज एंटर करिए।
एवरेज निकालना है, इक्वल एवरेज, ब्रैकेट ओपन, यहां पर ले लीजिएगा मैथ, एम ए टी एच एस, ब्रैकेट क्लोज कर दें। सही है, कोई दिक्कत किसी को? अब ऐसे भी फाइंड आउट करके बताएगा, जैसे ये 462 नंबर किसका है, बस यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट पे चले जाइए, बता रहा है, फिर यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ये 494 नंबर किसका है, हाँ ड्राइंग का डिफ, बस यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करिए, बता रहा है ड्राइंग का, ठीक है, यहाँ से आप एरो को हटा दीजिए। यही नहीं, आप किसी भी सीट पे जाएंगे, जैसे विंडो प्लस आर मैंने दबाया, या चलिए यहीं से आप आ जाइएगा, दूसरा सीट यहाँ से ले लीजिए, जैसे कि हम चूज फार्मूले वाले पे आ जाते हैं, चूज फार्मूले पे यहाँ पे आ जाइए, और यहीं पे जोड़ करके आपको चेक करना है रिजल्ट। देखिए इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, और ड्राइंग का नंबर 494 आया था, यहाँ पे लिखिएगा ड्राइंग, और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए, यहीं पे इक्वल लिखिए, और यहाँ पे ए बी ई आर ए जी ई, ब्रैकेट ओपन करिए, यहाँ पे आप लिखिएगा हिंदी, मैथ का मेरे से मैंने बताया था ना, यहाँ पे मैथ लिख लीजिए, हिंदी का भी बता देगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए, किसी भी सीट पे आप इसका रिजल्ट जांच सकते हैं, हटा दीजिए इसको। तो ये आपका डिफाइन नेम का प्रयोग होता है, कोई दिक्कत? अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद इक्वल करिए, और यहाँ पे लिख दीजिएगा सम, ब्रैकेट ओपन करिएगा, और यहाँ से आपको लेना है डेटा SST का, SST लिख दीजिएगा, और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे 416 वाला नंबर कहाँ से मिला है, तो ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करिए ट्रेस करने के लिए, हटाना है तो हटा दीजिए। अगर ये पता करना हो कि SST का गुणा भाग कहाँ कहाँ किया गया, तो सिलेक्शन करिए और ट्रेस डिपेंडेंट्स पे क्लिक कर दीजिए। SST का ही नंबर है क्या? अभी बता रहा था, चार सौ 62 किसका नंबर था, हिंदी सिलेक्शन करते हैं, ट्रेस ये सिंगल सिंगल पे ही काम कर रहा है, पूरे पे नहीं काम कर रहा है, देखिए सिंगल सिंगल पे ही काम कर रहा है, पूरे पे नहीं काम कर रहा है, यहाँ से रिमूव कर दीजिए, सिंगल सिंगल करेंगे तो हो जाएगा। चलिए एक बार सिंगल पे भी ट्राई करके देख लेते हैं, वैसे सिंगल पे मैंने बताया भी है, यहाँ पे पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, और यहाँ से क्रिएट फ्रॉम, नहीं, नेम मैनेजर पे चले जाइएगा, और यहाँ से सारे फार्मूले को कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करके, और यहाँ से आप इसको रिमूव कर दीजिएगा, यस कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। अब तो कोई फार्मूला लगा नहीं है, इक्वल सम, ब्रेकेट ओपन, और यहाँ पे हिंदी, ब्रेकेट क्लोज, एंटर। सही है, अब चलिए करना क्या है, हिंदी वाले सब्जेक्ट को सिलेक्शन करिए, डिफाइन नेम पे चले जाइएगा, बस ओके कर देना। अब यहाँ पे लिखिए इक्वल सम, ब्रेकेट ओपन, और यहाँ पे हिंदी, ब्रेकेट क्लोज, और एंटर। चलिए सब बता दें, एक बार में ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं, लिखना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा, तभी बताएंगे। डिफाइन नेम है ना, तो डिफाइन नेम का सबका अलग अलग है, वो क्या समझेगा कि मैक्सिमम किसका निकालना है, नहीं नहीं समझ पाएगा, वो निकालना ही पड़ेगा, हिंदी सब्जेक्ट देना ही पड़ेगा। देखिए सिंगल पे बता दिया कि हिंदी से जुड़ा कौन कौन सा नंबर है, उसमें फार्मूला आपको दिखाना ही पड़ेगा, हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए इसमें और भी ऑप्शन दिया है, यूज इन फार्मूला, तो यहाँ पे बता रहे कि अभी फार्मूले में मैंने केवल हिंदी को ही ऐड किया है, अभी फार्मूले में मैंने केवल हिंदी को ही ऐड किया, अगर इंग्लिश को भी करना है तो सिलेक्शन करिए, और डिफाइन नेम पे जाकर के बस क्लिक करके ओके कर दीजिए। देखिए अब इसमें बताएगा कि इसमें आपने इंग्लिश का भी यूज कर ली, ठीक है ना। नेम मैनेजर में क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो नया भी बना सकते हैं, देखिए यहाँ से जैसे कि मान के चलिए कि किसी का आप नाम चेंज कर दिए और उस वैल्यू को चेंज करके दोबारा लेना चाहते हैं, जैसे इसको हटा देते हैं, इसको मान के चलिए कि मैंने सिलेक्शन किया और हम चले आते हैं डिफाइन नेम पे, या नेम मैनेजर पे आप आ जाइए, और यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए कि हम नया पे ऐड करना चाहते हैं, और यहाँ पे मैथ को हटा करके मैंने आप दे दिया,
डी 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 ओके करिए, ऐड हो गया फार्मूले में, आप ओके करेंगे यहाँ से। तो अगर आप इक्वल करेंगे और यहाँ पे सम लिखेंगे, ब्रेकेट ओपन करेंगे और तीन बार डी लिखेंगे, तो किसकी वैल्यू जोड़ करके बताएगा? मैथ की वैल्यू जोड़ करके बताएगा, क्योंकि नाम तो यहाँ पे अलग है, लेकिन जब मैंने न्यू पे दिया तो न्यू पे उसका नाम मैंने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे मैथ अब तो डेटा आएगा नहीं, यहीं पे इक्वल टू करके आप देख लीजिए कि मैथ का नंबर है कि किसी और का, इक्वल टू अब एंटर करिए, सही है। अब डी डी ट्रिपल डी अगर इक्वल मैक्सिमम लिखते हैं, ब्रेकेट ओपन करते हैं, तो मैक्स में भी ट्रिपल डी लिखेंगे, तो मैक्सिमम किसमें से छांट के बताएगा? मैथ वाले नंबर से छांट करके बताएगा। अरे यहाँ पर भी शो करेगा, इक्वल करेंगे, देखिए इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, ब्रेकेट ओपन करेंगे, ट्रिपल डी, ब्रेकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो फार्मूला हम सम और मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं ना, तो जब हम वैल्यू को सिलेक्शन करते हैं ना, तो वैल्यू को सिलेक्शन करके इसका हम एक नाम दे दे रहे हैं कि बार बार उस वैल्यू को हमको सिलेक्शन ना करना पड़े, बस केवल नाम दिखे तो उस डेटा का रिजल्ट बता दो। अब क्लियर हुआ? तो यहाँ से पूरे फार्मूले का प्रयोग आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें अभी और भी ऑप्शन दिया है कि जैसे कि मान के चलिए इस पूरे नंबरों में अगर 20-20 नंबर जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? पूरे नंबरों में अगर 20-20 नंबर जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, बताइए कोई तरीका? तो सबसे पहले जितना नंबर आपको जोड़ना है उतना नंबर आप साइड में लिख लीजिएगा, जितना नंबर आपको जोड़ना है उतना नंबर आप क्या करिएगा, साइड में लिख लीजिएगा। तो 44 है तो 20 ऐड होगा तो कितना होगा, 64 हो जाएगा। 35 है तो 20 और ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां से क्या करिएगा कि 20 पे राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करने के बाद इस पूरे नंबर को सिलेक्शन कर लीजिएगा, कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करिएगा, पेस्ट स्पेशल पे जाइएगा, यहीं पे ऐड का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ओके करेंगे तो 20 ऐड हो जाएगा सब। सही है कि गलत है? आप सम में दो से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, दो से गुणा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे साइड में पहले आप दो लिख लीजिएगा, आप इसी दो को आपको कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके कॉपी, और पूरे डेटा को सिलेक्शन करना है, इसी पे राइट क्लिक करिएगा, पेस्ट स्पेशल पे आइएगा, इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल दिया होगा, ओके कर दीजिए, ठीक है। अब सब में से 100-100 नंबर हटा देना, घटा देना, तो बस यहाँ पे इक्वल करिए, यहाँ पे 100 लिखिएगा, इस डेटा को कॉपी कर लीजिएगा, राइट क्लिक करके कॉपी करिएगा, पुनः पूरे नंबर को सिलेक्शन करिएगा, राइट क्लिक करने बाद पेस्ट स्पेशल पे आना है और यहाँ से सब्ट्रैक्ट, ओके कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? इतना प्रैक्टिकल करिए, इससे हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है, ज्यादा पढ़ा देंगे तो आउट ऑफ कवरेज एरिया हो जाएगा।